Hello? 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 हाँ मुफ्ती जी। हाँ ए मुफ्ती जी, सलाम अलैकुम। सलाम। कौन? अरे दोस्त हूँ आपका। और कौन? क्या नाम है? फकत खान। हाँ फकत भाई। फकत भाई? हाँ। किसका फकत भाई? फकत नाम फकत फकत फकत। कौन से मसलक का है? अहलुल हदीस। अहलुल हदीस? अहलुल हदीस का मतलब हदीस वाला। तो रसूलुल्लाह ने कहा कि तुमको हदीस वाले बनो? आपसे रसूलुल्लाह ने कहा कि अहले हदीस बनो? बताइए जरा, एक हदीस पेश कीजिए। जी जी, पेश कीजिए ना हदीस। मैं आप लोगों को कैसे है वो हदीस जरा पढ़ो। हदीस मैं पढ़ूं? आलुल हदीस आप हो, आले हदीस बनने का रसूलुल्लाह ने आपसे कहा, हदीस मैं पढ़ूं? याद ही है ना? है आपको हदीस नहीं याद है? अरे आलुल हदीस आप हो, हदीस वाले आप हो, नबी ने आपसे कहा आले हदीस बनो, हदीस मैं पढ़ूं? तरक्तु फीकुम अमराइन। इस हदीस के रावी कौन है? रावी तो आप जो सर्च कर लीजिए, नेट पे मिल जाएगा। मैं क्यों नेट पे सर्च करूं? तुम किसी को अपना अब्बा कहो और उसकी डिटेल मैं निकालूंगा क्या? तो तुम जिसको अब्बा कह रहे हो उसके अब्बा होने की दलील तुम्हारे पास होना चाहिए कि मेरे पास? मैं सर्च करके बता दूं आप रावी कौन है। तो साहबा नेट से सर्च करते थे? अरे तो अभी नेट से सर्च करना किसकी सुन्नत है भाई? ये तो क्या नाम है, तकनीकी चीज है। क्या है? ये सब क्या नाम है, जराए हैं। तो जराए हैं, तो इन जराए से साहबा ने हदीस सीखी या सरफे तलम्मुस किया रसूलुल्लाह के सामने और उस तरह हदीस लिए? जराए से फायदा उठाने में कोई हर्ज की बात है? तुम्हें तो यही नहीं पता कि तुम अहलुल हदीस हो, तो तुम्हारे मजहब पर दलील कौन सी है? हदीस तुमको हदीस के आधे अधूरे अल्फाज याद है? सुन्नत रसूली। तो सुन्नत रसूली है ना, तो हदीस रसूली कहाँ है उसमें? अरे तो सुन्नत रसूली का मतलब क्या है? क्या है बताओ? हदीस रसूली। किसने ये कहाँ लिखा है? सुन्नत और हदीस एक चीज है, जरा इस पर एक हदीस पेश करना। तो हदीस और सुन्नत में क्या फर्क है? तो तुम बताओ ना क्या फर्क है। नहीं तुम फर्क समझते हो तो बताओ। अरे तुम लफ्ज पढ़ रहे हो सुन्नत का और तर्जमा कर रहे हो हदीस का। हमारे नजदीक सुन्नत और हदीस एक ही चीज। तुम्हारे नजदीक का क्या मतलब है? तुम कोई वली अल्लाह हो, तुम पर कोई वही उतरती है, जिब्रील तुम्हारे पास आते हैं, तुम्हारे नजदीक का क्या मतलब है? नबी के नजदीक की बात करो। हमने तुम्हारा कलमा पढ़ा है कि रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फर्क किया है सुन्नत और हदीस में? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन्नत और हदीस एक चीज को बताया है। मैंने आपसे अहलुल हदीस होने की दलील मांगी, अहलुल सुन्ना होने की दलील नहीं मांगी है। मेरी बात सुन लो पहले मुफ्ती साहब, पहले आप ये बताओ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुन्नत और हदीस में फर्क किया है? वो तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना कि रसूलुल्लाह ने कहा दोनों को एक कहा है? फर्क किया है जहाँ जहाँ लफ्ज आया है, अलैकुम बिसुन्नति व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन मन तमस्क अभी सुन्नति इंदा फसादी उम्मती, ये सारे अल्फाज तो सुन्नत के आए हैं, हदीस का तो कोई लफ्ज ही नहीं आया। अच्छा चलो मुझे तुम हदीस का माना बता दो। लफ्ज हदीस का मतलब बता दो आप। हदीस का माना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक्वाल अफाल है, इसी को क्या नाम और तकरीरात को क्या नाम है हदीस और सुन्नत कहा जाता है। अच्छा ये कहाँ लिखा है? ये उसूल की किताबों आपको कौन सी किताब, किताब का नाम बताओ ना। अरे भाई उसूल की कोई भी किताब, आप उसूल हदीस की कोई भी किताब उठा के देख लीजिए। अजीब बात है, ये उसूल हदीस की किताब को नबी ने तरतीब दिया है कि अल्लाह ने तरतीब दिया है कि वो जो कहेंगे हम मान लेंगे तो तकलीद हो गई? नहीं उलमा ने दिया है तकलीद का मतलब वाला। अरे भाई तकलीद की तारीफ क्या है, किसी की बात को दलील पूछे बगैर मान लेना। अब उलमाए उसूलीगीन ने लिख दिया है कि ये हदीस का मतलब है और आप मान रहे हो, तो तकलीद किस चीज का नाम है? देखिए तकलीद का माना होता है ठीक है, जो हम समझते हैं तकलीद के माना कि तुम मामले में दीन के मामले में ठीक है, दीनी मसाइल में बगैर दलील के किसी बात को
हाँ, किसी की बात को बगैर दलील के कबूल कर लेना या तकलीफ, बराबर ठीक है, तारीफ की ना आपने। और ये उसूल हदीस जो है ये दीन में नहीं है, दीन तक पहुँचने के जरिया है। अरे दीन है कि नहीं है, दीन है तब तो दीन तक पहुँचेगा ना। नहीं, उसूल उसूल जो है दीन थोड़ी ना है, तो उसूल दीन नहीं होता है, उसूल जरिया है दीन तक पहुँचने के लिए। अरे ये दीन नहीं है, हदीस हदीस तो दीन है, उसमें कोई तो फिर हदीस सही है ज़ईफ है, आप लोग ये तय करते हो कि हदीस सही है ये हदीस ज़ईफ है। और शेख हदीस जो कौन सा शेख, मिल्क शेख, मैंगो शेख, कौन सा शेख दीन तक पहुँचने के, शेख बड़ी शीन वाला। हाँ बड़ी शीन से ही मैं भी बोल रहा हूँ ना, उसको भी वो बड़ी शीन से ही आता शेख। अच्छा ये हमारा और आपका मुकाबला होने वाला था, किरात ये कब होगा, कभी किरात पे हमारा और आपका मुकाबला होने वाला था, ये कब होगा? तो अभी कर लीजिए ना किरात पे। हाँ किरात के लिए तो अभी कर लीजिए, लेकिन पहले आपने अभी तक ये नहीं बताया कि आप अहलुल हदीस हैं, तो कौन सी हदीस से आप दलील लेकर आते हैं? आप हदीस पढ़ रहे हैं सुन्नत वाली और इस्तिदलाल कर रहे हैं हदीस पर? इतने बड़े तो गदहुल लगी हैं आप, इतने बड़े चूटियम सरफरेट द ग्रेट इंटरनेशनल हो आप। देखो देखो लाइन पे आ रहे हो, धीरे धीरे आ रहे हैं। नहीं नहीं लाइन पे नहीं आ रहा हूँ, असल में तुम जैसे दुश्मनाने खुदा व रसूल पे मैं ऐसी बात करता हूँ। अब जो है अब क्या है, धीरे धीरे आप लाइन पे आ रहे हो। आपने अभी तक हदीस क्यों नहीं पढ़ी जिसके लिए साबित होता है कि नबी ने अहलुल हदीस बनने का हुक्म दिया? अरे मैं तेरा ना चचा हूँ ना भाई हूँ, अल्लाह और रसूल के दुश्मनों से मुझे कोई इलाका नहीं होता। पहले अहलुल हदीस होने की हदीस पढ़ो, पहले बात सुनो यार। आपने कहा ना आप अहलुल हदीस हो। हाँ तो हूँ ना भाई। हाँ तो फिर हदीस पढ़ो ना जिसमें ये लिखा हो कि रसूलुल्लाह ने अपनी उम्मत को अहलुल हदीस बनने के लिए कहा। अरे भाई हदीस पे अमल करने के लिए कहा कि नहीं कहा? तो कहाँ कहा बताओ ना, एक हदीस पेश करो जिसमें लिखा हो कि हदीस पे चलो। ये पढ़ के बता ना, तरक तू सिकुम रही। वो मुझे मालूम है, मैं तुम में दो चीजें छोड़ रहा हूँ, किताब अव्वल हुमा किताबुल्लाह, पहले अल्लाह की किताब है, तो बाद में वो सुन्नत रसूलिल्लाह है ना, रसूलिल्लाह की सुन्नत, तो तुम तो हदीस कह रहे हो, तो उसी को सुन्नत ही को हदीस कहा जाता है मेरे भाई। कहाँ लिखा है सुन्नत को हदीस कहा जाता है? इस पर एक हदीस पेश करो ना यार, आले हदीस हो तो उलमा के अकवाल क्यों पेश कर रहे हो? उलमा के अकवाल आखिर कैसे आप समझेंगे कि हदीस और सुन्नत क्या? अरे आपका दावा क्या है कि अहलुल हदीस किताबुल्लाह और हदीसे रसूलुल्लाह पे चलने वाली कौम है, वो भी सही हदीस पर, ज़ईफ हदीस पर नहीं? हेलो बात समझ में, हाँ बात समझने की कोशिश में कर रहा हूँ। हाँ तो बात ही समझने की कोशिश कर रहा हूँ ना, जब तक पूरी शरह वो बुत के साथ में बात समझ में नहीं आएंगे तो कैसे समझेंगे भैया? किरात का मुकाबला करने के लिए फोन किया। हाँ बोलो। आप समझ में नहीं आएंगे क्योंकि आप बरेली हो तनाटन। अरे मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह तनाटन बनेलवी हूँ, हनफीजुल मजहब हूँ, सब हूँ। आप सुन्नत और हदीस को एक कह रहे हो, ऐसी कौन से हदीस में लिखा हदीस सुन्नत एक है? बात सुन रहा हूँ, ये तनाटन का मतलब क्या होता है? ये तो बात की बात है ना, पहले तुमने अहलुल हदीस होने का दावा किया, मुझे मैं तनाटन खनाखन सब बता दूंगा, बास बरेली क्या है, राय बरेली कौन सी है, आला हजरत का डंडा कैसा है, सब बता दूंगा। पहले तुम ये बताओ कि अहलुल हदीस होने की हदीस है कौन सी, और जो हदीस तुमने पढ़ी वो सुन्नत किस से मुताल्लिक है? कि नबी ने फरमाया कि पहले अल्लाह की किताब और मेरी सुन्नत पे चलो। तुम सुन्नत और हदीस को एक चीज कह रहे हो? सुन्नत और हदीस में अगर आप मुझे फर्क दिखा दो, ठीक है, अरे दिखाना तुम्हारा काम है कि हमारा काम? तुम हदीस का लफ्ज ही नहीं दिखा रहे हो भाई। देखिए ऐसा, अब बुखारी शरीफ का क्या नाम है, पहले आप मुझे बुखारी शरीफ का नाम बताओ। बुखारी का नाम मैं बताऊंगा, तुम बताओगे? तुम मुझे बुखारी का पूरा नाम बता दो, मैं मान जाऊंगा तुम अहले हदीस हो। ठीक है, क्या हुआ? सही क्या 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 बात आप बोले हो ना कि बुखारी का सही नाम बता दो। हाँ बताओ, बता दो तो मैं मान जाऊंगा तुम अहले हदीस। बुखारी का नाम बोल रहा हूँ, बताओ तो क्या क्या। हेलो, हाँ अब क्या हो गया? नहीं नहीं आराम आराम से बोलो, एकदम राजधानी एक्सप्रेस नहीं, तरावी नहीं पढ़ना, यालमुन तालमुन नहीं करना। अब देखो पढ़ दिया एक बार, अब दोबारा मत बोलो। सुन हाँ तो कोई आकाशवाणी हो, एक ही बार रिलीज होगा, दूसरी बार न्यूज नहीं आएगी। अल जामिया सही अलजामिया दोनों मुआरब बिल्लाम है क्या? अलजामिया अरे बेवकूफ, एक इसमें नकेरा है एक मारफा है, हाँ? दोनों में अलिफ लाम है, जरा देख लेना बुखारी उठाकर तो। अल जामे असही, अरे तुम्हारी ये रिकॉर्डिंग अगर अहले हदीस मौलवी सुनेंगे तो तुम पर थूकेंगे कि हमारे कैसे कैसे चोरा चमार लोग बरेलवी मौलवियों के मुंह लगते हैं।
अल जामे असही है उसका नाम, क्या कह रहे हो? तुमने कहा ना अल जामे असही। हाँ तो अल जामे तो कहा हो, अल जामे असही अल मुस्तमा अल मुस्तफा। सब गलत बोल रहे हो तुम। और सही है क्या नाम है, सब जो मैं बोला हूँ जो सही परफेक्ट बोला हूँ। और आपने कहा था कि अगर बुखारी का नाम बता दो तो मैं अली हदीस मान। अभी तुमने नाम ही नहीं बोला बुखारी का पूरा, और पूरा के पूरा गलत बोला है तुमने। अरे झूठ मत बोलो यार एकदम। अरे तुम्हारी रिकॉर्डिंग अभी अली हदीस मौलवियों के पास जाएगी, आपका फोन रिकॉर्ड हो रहा है। आप ठीक है रिकॉर्ड भेजो। तुम्हारे मौलवी इतने बड़े घामड़ है कि खुद तो उनको कुछ आता नहीं है, झापक झुआ डाला रख लेते हैं नाक के नीचे तक, और तुम जैसे बेवकूफों को छोड़ देते हैं इंटरनेट पर। अल जामी अब सही नाम है उसका, तब क्या है बताओ, आप ही सही बताओ, पक्का बोलो अल जामी अब सही है। आप बोलो। अच्छा बुखारी है तुम्हारे सामने, जरा खोलो तो उसको। सुनो सुनो, बुखारी शरीफ है आपके सामने? बुखारी शरीफ मेरे पास नहीं है भाई। हाँ जो है तो किससे नाम सुन लिए थे, कहीं मेरी तकरीर में तो नहीं सुन लिए थे? मैं बस मैं सुना हूँ बस, ये है कि ऐसे नाम है। किससे सुने हो अब आप बताओ? अच्छा आपने तहकीक क्यों नहीं की? सुना तो, सुनने के बाद आपने मान कैसे लिया कि यही नाम है? आप किसी की भी तकलीद करते हो, इससे बेहतर है कि इमाम अबू हनीफा की तकलीद करो। अच्छा 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 ठीक है ठीक है। आप जो है ना, नहीं बुखारी का सही नाम बोलो तुम। आज बोला तो तुम्हारी बख्शीश इसी पर है। ठीक है तो आप बोलो कि मतलब उसमें गलत क्या है। आप 100% बताऊंगा मैं गलत क्या है, 100% बताऊंगा गलत क्या है, लेकिन ये बताओ कि अरबी में दोनों मुआरफ बिल्लाम आता है या एक मारफा आता है या एक नकेरा आता है या दोनों मारफा आता है? देखो मारफा नकेरा समझता है? मारफा और नकेरा समझता है आपको? नकेरा क्या होता है? शाबाश, अभी तो तुम बड़ी उसूल उसूल की बात कर रहे हो। सऊदीया जाकर भोजपुरी अरबी सीख कर आते हो ना दलिंदरो, और इसी से हदीस कुरान समझोगे तुम लोग घामड़ो। बुखारी का नाम सुनो सुनो, मैं आपको बुखारी का नाम मतलब। अच्छा लगता मुझे ख्याल से मिल गया कहीं से। कह रहे थे कि मुझे किताब से देखो, मैं बता रहा हूँ। बोलो किताब से देख के। एक मिनट। हाँ किताब का नाम पूरा मैं आपको देख करके बताऊँ। सोचो बुखारी का नाम बताने में इतना टाइम लग रहा था, तुम्हारा शजरा नसब पूछ लिया, तुम किन किन लड़ाइनों की नसल से होकर पैदा हुए हो। सुनो सुनो तो मुझे तो लगता है कि तुम जहन्नम में पहुंच कर भी नहीं बता पाओगे। सुनो सुनो देखो बोल। अलजामे पूरा सुनो, अलजामे असही अलमुसनद। अरे यार अलजामे असही नहीं है वो। अरे भाई अलजामे है। अरे सुनो उर्दू में ख्वाजा लिखते है ना ख्वाजा, उसमें वाव लिखते हैं, वाव पढ़ा नहीं जाता है। जकात में वाव आता है ना, तो उसको जकवात पढ़ते हो कि जकात पढ़ते हो? तो इससे क्या लेना देना कि इसमें अलजामे का जवाब नहीं पढ़ा जाएगा? अरे गदहुल लजी बेदाल के बुदम चुगतुल बुखारा, बाज अल्फाज लिखे जाते हैं पढ़े नहीं जाते हैं। सुनो मेरी बात, मेरी बात सुन लो पहले। मैं आप कह रहे थे कि मुझे बुखारी का नाम पूरा सुना दो। चलो सुना दो भैया, ऐसे ही सुना दो। चलो अब बताया ना एक बार, अलजाम सही अलमुसनद अलमुख्तसर मिन उमूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सुनन ही व अय्यामी। ये पूरा नाम सही बताया आपने? हाँ बिल्कुल सही है एकदम। गलत नाम बताया आपने, इसमें बहुत बड़ी डंडी मारी है, धांधली की है आपने। क्या गलत है उसमें, समझ में आई बात? इसीलिए मैं कहता हूँ बेटा अहलुल हदीस बनना ना को चने चबाना है। अहलुल हदीस हिजरी 220 पर खत्म हो गए, जिनको 10 लाख हदीसें माँ सनदो मतन की याद होती थी, 1 लाख हदीसें सनदो मतन के साथ, वो होते थे अहलुल हदीस। तुम जैसे घामरों को बाप दादा का नाम याद नहीं है हा? और साले चले हो अहले हदीस बनने के लिए, हदीस पढ़ रहे हो सुन्नत वाली और कह रहे हो कि इसमें हदीस पे चलने का हुक्म है। अल्लाह के नबी फरमाते मन तमस्ता कभी सुन्नती हिंदा फसादे उम्मती फलहू अजरू में आते शहीद, जो फसादे उम्मत के वक्त मेरी सुन्नत पे चलेगा उसे 100 शहीदों का सवाब है। सुन्नत अलग चीज है, हदीस अलग चीज है। हर सुन्नत हदीस है, हर हदीस सुन्नत नहीं है। अगर हर हदीस पर अमल करते हो तो बुखारी में अलबौलु कायमन बाकायदा एक बाब बांधा हुआ है, खड़े होकर पेशाब करने का, क्यों नहीं करते हो? खड़े होकर पेशाब क्यों नहीं करते हो? ये हदीस बुखारी में है कि नहीं है? मेरी बात सुन लो पहले मुफ्ती साहब, आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? तुम नाम ही गलत बोल रहे हो बुखारी का, तुम्हारी बात क्या सुनो? फकत खान नाम रखा है तुमने, अपना नाम छुपाते हो।
अपनी असलियत छुपाते हो, पहचान छुपाते हो, मुनाजरा करने चले आए हो। अबे तुमको तो अभी अहले हदीस साबित करने में ही तुमको जो ना जिंदगी निकल जाएगी। फातिहा खल्फल इमाम पे बाद में बहस करना। अच्छा ये बताओ कि बुखारी शरीफ जो है ये सुन्नत की किताब है कि हदीस की किताब है? तुम्हें ये नहीं पता काई की किताब है? मैं वो आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताओ। अच्छा आप मुझे जो पूछ रहे हैं तो दो हैसियत से पूछ रहे होंगे, या तो मुमतहिन की हैसियत से, या तो मुतालिम की, या तो तालिब इल्म की हैसियत से। तो कौन सी हैसियत से पूछ रहे हैं आप? जो भी समझ के जवाब दीजिए। नहीं नहीं, पहले आप अपनी हैसियत मुतय्यन कीजिए। आप मुझे किस हैसियत से पूछ रहे हो? मैं आपको मुनाजिर की हैसियत से पूछ रहा हूँ आपसे। अरे मुनाजिर, तुम मुनाजिर थोड़ी हो कि जो मैं तुमसे मुनाजरा करूँ। तुम तो मजहूले मुतलक हो, जहले मुरक्कब हो, अकबसुन नास हो, बेदाल के बुदम हो, चौखटुल बुखारा हो, तुमसे क्या मुनाजरा होगा? मैंने तो आपका मखरज चेक करने के लिए आपको फोन किया था कि आप जो है काफ जो नीचे से निकालते हो ऊपर से। अरे मेरा काफ जहाँ से निकलना चाहिए उसके जो खुरूज की जगह है वहीं से निकलता। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप मुझे किस हैसियत से पूछ रहे हैं? बुखारी सुन्नत की किताब है क्या? किस हैसियत से पूछ रहे हैं? जो है मुफ्ती, जो है मुफ्ती साहब, जो है आप मतलब मुफ्ती साहब जो है काफ जो नीचे से निकाल लेते हो, मैं कहा जरा पूछ। अरे वो तो आप लोगों का सब नीचे से ही निकलता है, बाज औकात पीछे से भी आपकी पीली देखी गई है, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है। अरे मेरे भाई मेरी बात, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आपको ये जानना है बुखारी सुन्नत की किताब है कि हदीस की किताब है? हाँ ये बताओ, जानना है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे आप किस हैसियत से पूछ रहे हैं? आप अपनी हैसियत मुतय्यन कीजिए ना। जब मैं आपसे कोई सवाल पूछता हूँ ना फकत खान, हाँ तो बराए इम्तिहान पूछता हूँ। हाँ तो मैं भी बराए जो है क्या नाम है इम्तिहान ही पूछ रहा हूँ। तो बराए इम्तिहान पूछने के लिए आपका इल्म मेरे बराबर है क्या? हाँ आपका इल्म मेरे बराबर है। चलिए सूर्य फातिहा सुना दीजिए आप मखारिज की रियायत करते हुए। देखो अब पहले अब सवाल, अरे यार एक जाहिल एक मुफ्ती से, मुफ्ती का कैसे इम्तिहान लेगा? इम्तिहान तो वो लेता है जिसका इल्म वसी होता है, वो कमतर इल्म वाले से इम्तिहान लेता है। तो आप मुफ्ती हो? सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आप पहले ये बताओ कि आपने ये कैसे कहा कि आप मेरा इम्तिहान ले रहे हैं? आपके पास कितना इल्म है? मैं तो पहले कहा था कि आप मुझे एक हदीस पूरी सनदो मतन के साथ में अरबी में सुना दीजिए। आप अहले हदीस होने के लिए तो 1,00,000 हदीस याद होनी चाहिए। आप एक ही हदीस सुना दो, मैं मान लूंगा आप अहले हदीस हो। वो तो मैं सुना दूंगा, वो कोई मसला नहीं है। कब सुनाओ? आप ये बताइए जब चाहो। जन्नत से एक स्टाफ पहले जाने के बाद? मैंने वो तो सुनाने को तो मैं अभी सुना सकता हूँ, ऐसा नहीं सुनाओ ना भाई, मैं सुनाऊ। लेकिन पहले ये है कि आप बताओ बुखारी शरीफ जो है ये। हाँ तो मैं बता रहा हूँ ना, मैं अभी मैं जुड़ता बता रहा हूँ, बिना देरी करे बता रहा हूँ। हाँ तो बताओ ना भाई, तो पहले ये तो बताओ आप मुझसे किस हैसियत से पूछ रहे हो? तालिब इल्म की हैसियत से ना? हाँ चलो तालिब इल्म की हैसियत से पूछ रहा हूँ। अच्छा चलो, अब मैंने बता दिया क्या बताया? अरे मान लीजिए मैंने बुखारी का तो बता दिया कि बुखारी फिका की किताब है, या हदीस की है, या सुन्नत की है, या मंतिक की है, या कलाम की है, या जफर की है, या जीजात की है, या फिरत की है, किस फन की किताब है मैं बता दूंगा आपको, ठीक है? अब मैं अरे अभी बताऊंगा ना, लेकिन कैसे मान आप मान लोगे उसको? मैं कैसे यकीन कर लूँ कि आप उसको मान लोगे? पहले आप बताओ आपको खुद पता है बुखारी किस फन की किताब है? मैं पहले आपसे जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे। अरे मेरे 307 सवाल तो आपके ऊपर कर्जा है, क्या वो आपकी नस्लें मेरा कर्जा चुकाएंगी? अरे आप जो है मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे दो। अरे मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर मैंने बता दिया तो तुम मान लोगे उसको? हाँ तुम मान लोगे उसको? अरे भाई मानने के लायक होगा तो क्यों नहीं मानेंगे? तो आपको कैसे पता ये लायक है या नालायक है? आपको तो खुद पता नहीं। वो तो मैं वजह बताऊंगा बाद में आपको ना। अरे आपके पास इल्म है? अरे बताऊंगा ना। आपको तो बुखारी का नाम ही याद नहीं है? आपको तो बुखारी का, आपने अल जामे अस सही कहा ना बुखारी का नाम? हाँ उसका नाम बताओ मैं क्या है? लल्ला। उसका नाम मैं बताऊ लल्ला क्या है? हाँ बता दो लल्ला। उसका नाम अल जामे अस सही नहीं, अल जामे उस सही। अल जामे उस सही। क्या ना क्या नाम है? हाँ हसो, अब जब ये रिकॉर्डिंग इंटरनेट पे फैलेंगी और लोग देखेंगे कि आले हदीस में कैसे कैसे 30 मार्का होते हैं, जिनको इस्तिंजा का ढेला लेना नहीं आता वो लोग आले हदीस बने फिर रहे हैं। मेरी बात आपको बोलना चाहिए कि आप एराब जाहिर करो, क्या पढ़ना चाहते हो? अरे गलहुल लजी कहीं के एराब जाहिर करो, तुम अल जामे अस सही पढ़ रहे हो, अस सही का अलिफ लाम पढ़ रहे हो तुम,
तुम्हें ये नहीं पता कि मारफा क्या होता है, नकरा क्या होता है, बार जगह अली फ्लाम होता है लेकिन वो पढ़ा नहीं जाता है। वो तो मैं वो तो अलग 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 आपको समझा। तुम जैसे घामड़ मेरे पास रोजाना, तुम अकेले नहीं हो मुख्तसर, है ना। असल में क्या है ना, आगरा पुल हो गया ना तो लोग मेरे ही पास आते हैं। तुम्हें ये नहीं पता है कि बुखारी का सही नाम क्या, तुम बहस करने चले आए हो। तुम्हें ये नहीं पता कि तुम अहले हदीस हो तो तुम्हारे मजहब पर कोई हदीस है या नहीं है। ओ फकत खान, सुन रहे हो ना।